पैसों में बहुत पैसे बहुत है मेरे पास। उस इंसान ने मेरी सैलरी नहीं दी यार, तो ये चक्कर लाया। उन्हें कहेंगे ए भी ए ही है। तो उसी सैटरडे खोलो मूवी वाला इंदी बख्शी नहीं, उन्हें भी नहीं है। ओके, दैट्स वरुण धवन, बादशाह, आकृति कक्कड़। 3 मिनट के गाने में 2.5 मिनट मेरा है। जिस दिन एक था राजा रिलीज हुआ, कोई क्रेडिट में नाम नहीं, उसने इंटरव्यू में बोला 10 दिन पहले मेरा नाम डाल दिया कॉर्ड्स बाय सच, ताकि इंदी बख्शी क्लेम ही ना कर सके। वो आगे बोल रहे हैं, इंदी अगर आपको लगता है मैंने आपको घोस्ट किया, रिलीज सॉरी, अगर आपके मन में कोई भी बात है मैं आपको रीच आउट करूंगा और हम उसको सुलह कर सकते हैं। कहाँ होगी भाई, से मैंने मैसेज किया, कोई फोन नहीं। आप एक बात, मैं एक बंदे का नाम ले रहा हूँ जिसके घर से चोरी करके चीज ला रहा हूँ, उसी को कह रहा हूँ भाई इसने ये किया था, उसने वो किया था। जिस इंसान ने इतनी अर्चना क्रिएट की थी, कभी सामने आ जाए, ओनली फ्यू वर्ड्स ऑफ इमोशन निकलेंगे, वो क्या होंगे? क्यों हिप हॉप ने कभी ये नहीं कहा कि किसी की जिंदगी खत्म कर दो भाई, मैं उंगली नहीं करना चाहता था, करनी होती तो इतना कुछ है मेरे पास मेरे भाई, इतना कुछ ना कि करियर यूं से यूं होगा। बर्बरी चेक्स मैंने चोरी किया ये बोल दिया उन्होंने। वो जो गाने चुराने की बात है इन्हीं के लिए कह रहा था मैं, मेरे गाना था बर्बरी जो इन्होंने चुरा लिया, बर्बरी चेक्स। आई स्वेयर बेबी छोड़ी ना कसर कोई, जैसे फैशन मैगजीन का कवर कोई, बेबी ध्यान से प्लीज जाए ना मर कोई, झेल पाओ नुकसान ऐसा कर कोई, तेरी हर एक अदा जैसे एक पोज, जरा कैमरे की फ्लैश करो ऑन कोई, मुझे लगता है आग लगाए आज आप 101 पे जल्दी करो कॉल कोई। हनी पाजी की तो कल्ट आर्मी है ब्रो, एक से एक पुश हो गया, तो जिस दिन पुश करने आए तो कहां ही जाएगा भाई, तो he knows his power। तो माता का पटाके भाई ने पायो है इंदीप बख्शी इन द हाउस। इंदीप जी मैं प्रेप कर रहा सीगा, व्हाट एनर्जी। एक कॉमन चीज है मेरे अप में, हम दोनों ने एक ऐसे इंसान को एक्सपोज किया था। अपने भी हाँ, समझ गए आप। अब देखो वीडियो वाली, उस इंसान ने मेरी सैलरी नहीं दी यार, तो ये चक्कर लाया। उन्हें कहेंगे ए भी ए ही है, उनके कहेंगे ए भी एडिटिंग है ब्रो। ये पता क्या है, जो फील अंदर की आई थी ना, हाँ। जो फील निकली थी ये वो निकला है। आहो म्यूजिक चैनल, मैं उसमें एंकर था। ओ हो जो बीच में उन्होंने बताया भी था, एक चैनल था हमने बंद कर दिया, उसके पैसे हैं भाजी 2.5 लाख। द पर्सन हिमसेल्फ कॉल्ड मी टू चेक के चैनल से चल की रहे, एंड ही हिमसेल्फ प्रॉमिस्ड मी मेरे को इंस्टा चैट्स पर, यानी मैं पाई भी सी वीडियो च। वीडियो मेरे अपलोड करन तो बाद नेक्स्ट डे मेनू एक टीम मेंबर दा फोन आंदा है इना वालों डिटेल्स में, भाई के साथ ऐसा हुआ, भाई के साथ ऐसा हुआ, जब एक साथ बैठे खाया पिया होता है तो ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो मैंने कहा भाजी मैंने पैसा मांगने के लिए तो कंटेंट डाला ही नहीं है, पैसा मेरा मरा था 2019-20 में ब्रो, मैं कंटेंट पा रहे हैं 2023 दे विच ब्रो। सो मेरी नीयत की है, मैं पैसे मांग रहा कि तुम वही मेरे नाल होया ना, मैं पैसे नहीं मांग रहा 11 लाख रुपए, हां जेड़ी मेरी चीज सीगी उस टाइम दी, वो किथे है? बट भाई दरो मैं गल दसो, 11 लाख दा की सीगा बादशाह ने हनी सिंह नु दित्ता 11 लाख? ब्रो मैं तुहानू दसदा, ए चीज पता की है ना, जेड़ी इने एक ना एक ही फोटो बनाई हुई सी जेड़ी इने मेरे नाल कीती, उन्होंने ना वो कॉपी पेस्ट कीती हुई है प्रॉपर, की है सॉन्ग दा मैनू नाम नहीं दित्ता, सॉन्ग रिलीज होया ते उत्ते नाम नहीं सी टाइटल च, कश्मीरा शाह सीगा। तुसी सैटरडे खोलो मूवी वाला इंदी बख्शी नहीं है, उन्हें भी नहीं है। ओके, दैट्स वरुण धवन, बादशाह, आकृति कक्कड़। 3 मिनट के गाने में 2.5 मिनट मेरा है, पूरा गाना मेरा, सब कुछ इंदी बख्शी नहीं है मूवी वाले ट्रैक में। एंड वहाँ पे इंटरव्यू में कहते हैं वो तो मेरे चंडीगढ़ मांगने आए थे, एक बारी नहीं बोला कहाँ गए ले रहे, मतलब हर चीज 11 लाख रुपए उनके पापा ने बोले, कुछ भी करे उन्होंने वहाँ पे एज अ क्लाइंट गए, 11 लाख उन्होंने बोला, उनको ना एक इमेज समझ आ गई फिगर की, अच्छा धंधा ऐसे होता है। मेरे पास आए यही बोला कि हनी के गाने मैंने किए, ये भी मैंने किया, वो भी मैंने किया, ये एक्स वाई जेड अमाउंट लगेगा। पहला अमाउंट मैंने दिया, रोते पिटते पहले तो कंपोजिशन ही अलग है, मैंने कहा मतलब करना ही नहीं मैंने। ओके, फिर एक ट्रैक आया मेरे पास सैटरडे जिसके अंदर म्यूजिक करा के एंड रैप डाल के, हु इज दैट गर्ल के साथ था, अगर मुझे उंगलबाजी करनी होती मैं पहले डाल चुका होता। बिल्कुल ठीक है, उंगल कर रहे हो, मैं चीजें खोलने को इतनी चीजें खोल सकता हूँ ब्रो, चाहे वो ब्राउन रंग का ओरिजिनल वर्जन भी मुझे पता, जो बोलते हैं ना कि मैंने किया था पूरा गाना, मैं उसके लिरिक्स इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, गाना ठेठ ब्राउन रंग का लेन देन तक नहीं है। अच्छा, दूर दूर तक। आज हम हुड में बैठे हैं, एक टॉपिक छेड़ा मैंने यार, ये मैंने एक बीट बनाई है इस पे कुछ ब्राउन रंग करके, कुछ ना ब्राउन लड़की के ऊपर, ब्राउन रंग नहीं कुड़ी ये नहीं तेरे, ब्राउन रंग नहीं हुआ। उसके बाद वर्स वो अपना लिख रहे हैं, कोई अपना लिख रहा है, आई हैव हर्ड द बादशाह वाला वर्स, वो मेरे पास है। ओके, एंड कोई अगर बोल दे वो सेम है, मैं करियर छोड़ दूंगा अपना। वो ऐसा वर्जन था कि डेविड ज़ेनी उसमें हामी भी भर दे, मैं गाना शूट करूंगा, करियर छोड़ दूंगा। अच्छा, टोटली टिपिकल देसी, एंड सारी बातें वर्सेज अलग थे, क्रैप था, बहुत अलग ही था, मतलब वो वर्जन ही अलग था, वो ब्राउन रंग है ही नहीं। ओके, ब्राउन रंग दूर दूर तक नहीं है, बट वो सारी बातों की बातें। उसके बाद ये इन्होंने घोस्ट कर दिया, एक गाना आया उनको देखा हिट हो गए,
एल्बम के मेरे और भी गाने गए हुए थे, मैं क्या करता था, ऑडियो नोट होता है AMR, मैंने उस दिन भी एक फाइल देखा थी, AMR होता है ऐसे ऐसे ऑडियो करके मैंने भेजे हुए थे मेरे गाने थे। पंजाबी बहुत अच्छी लिखता है बादशाह। अच्छा, मेरी पंजाबी में हार्ड टाइट है, मैं देसी, अभी भी मेरी एल्बम आ रही है उसमें एक गुरलेज अख्तर जी का ट्रैक है, ठेठ चाहिए था, मैंने नहीं लिखा, मैंने कीरत गिल से लिखवाया, उसमें रैप पार्ट अपना लिखा, क्रेडिट्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो देसी उनके गाने थे जो करने थे, बट वो ब्रो आप देखो, मैंने एक 13 का भी मेल शेयर किया एक साल बाद, उस वहाँ पे भी मेरे से ही बोल रहा है, आई एम सॉरी ब्रो काफ़ी टाइम लग गया, ये गाना बहुत सेक्सी मिक्स हुआ, सुन, एंड दैट वाज मैडम जी, जो कि सुनने लायक भी नहीं था, एंड अगेन वो गायब, मेरे 1.5-2 साल खत्म होने लग गए। इस दौरान फिर अवतार आता है, हमारी एल्बम होती है, चीज़ें, मतलब सारी बातें जो ये बोल सर पैर नहीं है ब्रो, आप इंटरव्यूज़ खोल लो, कहाँ पे क्या चीज़ें, एंड दैट टू अभी उन्होंने ना बीच में शुरू किया कि दीप बख्शी दोबारा से क्यों ये सारी चीज़ उठा रहा है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको डाउट है, पहले सबको पता है मैं नहीं उठा रहा। 2024 में एक था राजा में, उन्होंने फिर से मेरे 2017 गाना का म्यूजिक डाला। अच्छा, मैं अपने घर बैठा हूँ, एक और गाना देखो, वही तो मेन चालू ही चीज़, एक था राजा इन्होंने निकाला, जहाँ शाहरुख खान जी बोलते हैं, एक पूरा पीस म्यूजिक का बचता है, एंड वो मेरे 17 में रिलीज है जी म्यूजिक से। तो इस पूरे सिनेरियो में फिर लेबल क्या कर रहा है? लेबल ये कर रहा है कि यूट्यूब पे जो हमने गाना डाला हुआ है उसमें वो नहीं है, स्पॉटिफाई डिजिटल है, मैंने खुद ही अपना म्यूजिक हेड को भेजा, मैं कहा सर ये, उन्होंने कहा एक स्पाइडर होता है वो ऑटोमेटिकली क्लेम कर देता है। अच्छा। मैं कहा सर ये डिजिटली चेक करो, आप एक बार ही करो, उन्होंने कहा हम करेंगे, एंड पता क्या होता है ऑलरेडी ना बड़ी मुश्किल से मैं काला चश्मा तक पहुंचा कर, एंड कंपनी भी अनुराग सर भी वो एक्स हो गए हैं। अच्छा। पहले वो थे हेड थे, अब वही है ना बात वहाँ तक पहुँचानी, अब इस टाइम तो टच वो डिजिटल इतना फास्ट है। हाँ। लोगों ने शुरू कर दिया, बट रिसेंटली सोनी के एक एम्प्लॉयर ने भी आपको ऐसा कुछ किया, एक्सपोज किया विक्रांत ने, मेरे को समझ नहीं आई एक चीज़, आज 12 हो गया 17, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल, आप 24 में एक चीज़ निकाल रहे हो, फिर से 17 में दीप बख्शी वाली चीज़ निकाल के कि ये हमारी थी, देखो ये चोरी करी, क्यों बादशाह को जरूरत है? सैटरडे गाना आया, उसका काला चश्मा आया, उनको एक चांस मिलता है, आपको मिलता है मूवी का सेकंड चांस, आप किसी का 3 साल पुराना किसी का गाना उसके बीच का रैप जो उसकी प्रॉपर्टी डालोगे, आप तो राइटर हो ना, आप अपना बेस्ट लिख के दोगे, मेरे को चांस मिला, सारी बातें उनको पता चल गई, हो गई। आज 24 में आप फिर से 2017 का गाना जो ऑलरेडी रिलीज है, एक चीज होती है मैं आके बोल रहा हूँ, ये ना सब पेपरों में ही बोल रहे हैं, ये देखो फाइल, मैंने भी फाइल दिखाई, मैं तो 11 की दिखा दी, उसके बाद वो बड़े मुश्किल से बोलते हैं अच्छा ये हो जाएगा, वो चेंज कर दिया किसी और का होगा, ब्रो बोलना बहुत आसान है, ये प्रूफ है। 17 में गाना निकला है, आप 24 में दोबारा क्यों कर रहे हो? आप इतने साल सो रहे थे, आपने इतने केस डाले, बर्बरी चेक्स का भी डाल देते। एंड मेन चीज, आज मैंने आपके साथ गलत किया, बादशाह ने आपके साथ गलत किया, आप कभी ये चीज बोल सकते हो सब कुछ गलत किया, बट यार बादशाह बंदा अच्छा है, आई एम रियली सॉरी अगर आपको बुरा लगा, करोगे आप कहोगे मैं अभी वो आगे बोल रहे हैं इंदीप वैसे लड़का अच्छा है, अगर उनको लगता है मैंने गोस्ट किया तो आई एम सॉरी, मैं उनसे पर्सनली मिलूंगा। बात की थी उन्होंने भी, और हाँ कहाँ होगी 22 में मैंने मैसेज किया, कोई फोन नहीं, उन्होंने एक नई चीज शुरू कर दी जिसका मैंने नाम हर जगह बोला कि भाई म्यूजिक तो सचित ने किया था, वो लड़का का है, उसको तो पैसे दे दो, क्रेडिट दे दो, नाम दे दो। उन्होंने एक था राजा में जो सैंपल था वो डाल दिया कि भाई सचित, क्योंकि मैंने इंटरव्यू में कहा था उस टाइम सचित मैं ये 2M वगैरह हम सारे गाने कर रहे थे, और आके सचित जी जो दूर दूर तक नहीं जान रहा था जिसको मैं ही, उसने खुद बोला इंटरव्यू पे कि मैंने 6 साल दीप भाई से बात भी नहीं हुई मेरी, बादशाह भाई से होती रहती है, आज आके वो बोल रहा है कि गाना मैंने बनाया था। अच्छा, बर्बरी चेक्स। अच्छा। जिसका दूर दूर तक इतने सालों में लेन देन की बादशाह ने एकदम से बोला, तो आज सचित भी आ गया जिसको इंट्रोड्यूस मैंने किया। जिस दिन एक था राजा रिलीज हुआ कोई क्रेडिट में नाम नहीं, अभी हफ्ते दिन उसने इंटरव्यू में बोला 10 दिन पहले मेरा नाम डाल दिया कॉर्ड्स बाय सच, ताकि इंदीप बख्शी क्लेम ही ना कर सके। सच वो है, इंदीप बख्शी क्लेम ही ना कर सके। अच्छा, मतलब इतनी फुद्दू बातें हैं ना कि यार नीचे मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ ना, लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये 10 साल सोया हुआ था, एंड इसको क्या जरूरत है दोबारा आपको उंगल करने की। बट सच तो हनी भाई के गाने भी करते थे पहले, नहीं उसने किए नहीं। अच्छा, क्या हुआ उसने वो बादशाह के साथ टाइटन्स करके, एंड सैटरडे का पूरा काम उसने किया था म्यूजिक। अच्छा, चाहे वो जो भी बोले जिसने किया किया भाई, मुझे जब बाद में पता लगा मैंने खुद देखा, उसने प्रॉपर पटोला वगैरह ऑलरेडी किए हुए थे, तो मुझे लगा कि यार यही लड़का है मेरी लिखी हुई चीज़ करेगा। उसने इंटरव्यू में बोला कि मैं 2012 जब बादशाह वगैरह के साथ था 6 figures मंथली कमाता था, 13 में इंदीप आजी साहब मिला, मैं 2 साल उनके वो दिए बेसमेंट में नीचे म्यूजिक करने जाता था जहाँ से उन्होंने हो सकते फाइल उठा लियो। अच्छा। पहली बात तो 6, और दूसरे पेमेंट वूमेंट मिली तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। अच्छा। तो 6 figure पैसे कमा रहा है, बादशाह के साथ काम कर रहा है, दिलजीत पाजी का काम कर रहा है, सबको छोड़ के तू 2 साल इंदीप बख्शी के स्टूडियो में आके काम करेगा बिना पैसे के? कुछ तो सेंसिबल बात करो, मेरे स्टूडियो में बैठ के, और 2M में सच इंदीप बख्शी,
बैड वाली फीलिंग सचिन दीप बख्शी पता क्यों था बाजी, मैं उसे सीख रहा था। अच्छा। मेरे सामने बनती थी, उसके बाद मेरे को फाइल दी जाती थी। अच्छा। कि इसमें फ्लेक्सिंग अब आप करोगे, मेलोडाइन जो सीखा आप करोगे, वहां से मैंने सीखा है। मेरे को क्या जरूरत है ब्रो तेरा नाम डालने का, मुझे पहले कुछ करना। बट देन आपको ये लगता है कि बात सारी फिर चढ़ते सूरज की है। उसने एंड में, आप पता है हंसी की बात बताते हैं, एंड में क्या बोला कि यार 6-7 साल आपने कुछ किया नहीं करा नहीं, कहता नहीं ना अब बादशाह बाजी कह रहे ना एल्बम आएगी। मैं कहा चढ़ावा खुद बता दिया उसने कि क्यों कर रहा है ऐसा। मैं दिल से परेशान था, मैं कहा यार एक बंदे को जो जानता भी था मैं लेके आ रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ क्योंकि उसने की है। पैसे जिसके मरे वो चिल्लाएगा क्यों, क्योंकि बात सर्वाइवल की होगी। मेरे पास अगर बहुत पैसा होगा तो मैं तो नहीं चिल्लाऊंगा, कहूँगा चल रख ले यार। अगर सर्वाइवल की बात उस टाइम पे थी, प्री कोविड टाइम था, तभी चिल्लाया मैं, सिंस आई एम द ओनली ब्रेड ओनर अपनी फैमिली में, तो मेरा चिल्लाना जायज था ऑब्वियसली, है ना। और दूसरी चीज आपके केस में क्या, क्रेडिट मार ली है तो मेजर। और ऐसे गाने की क्रेडिट जो आज ग्लोबली फेमस है, मैंने 1 रुपए की रॉयल्टी नहीं ली उन चीजों से, सैटरडे से मिली। मेजरली कोई चीज बताता हूँ भाई, उसके बाद भी मैं अपना शौक से काम कर सकता ना, मैं काम से मुंह तोड़ता। 22 तक तो मैं काम नहीं कर पाया, केस चल रहे हैं, आप परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि मेरे जिस गानों पे केस काला चश्मा करें, परफॉर्म थोड़ा कर सकता, अभी किसी और की प्रॉपर्टी है। जो मेरे रिलीज गाने परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं किसके गाने गाऊंगा। उस टाइम तो कंपनी के थ्रू है ना, जिनको गाना था, जिन्होंने बोला कि मेरा, मैंने बोला मेरा गाना है। आर्टिस्ट ने तो बोला मेरा है, कंपनी ने उस भी हाफ पे डाला, आर्टिस्ट तो फ्री घूम रहा है। कंपनी जी महाराज, तो उनके पास ऑलरेडी इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो भैया जिनका काम ही है संभालना, या इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आर्टिस्ट था। तो आपको लगता है फिर लेबल्स का भी यही काम रह गया बस। भाई लेबल्स का पता है, मैंने जो बाद में समझा जब मेरा नाम भी आया, लेबल्स आप एक लेबल, आप यहाँ बैठे कुर्सी पे, मैं आपके पास आता हूँ, मेरा गाना पसंद आता है, मैंने कहा मैंने बनाया, आपने मेरे से साइन करा, आपने पैसा भूसा लगाया, अब पीछे बोलेगा आप तो इसी को बैक करोगे ना, आपने प्रॉपर्टी आपकी है, आपको क्या सच्चाई। हर गाने पे कंपनी नहीं देखने वाली इसका पीछा घर, ये कहाँ सो रहा है, ये किसके साथ बैठा है, प्रोडक्ट तूने बोला तू जाने। अब उन्होंने इतना सारा पैसा लगा दिया अपनी चीज को तो बैक करेंगे, जब उनको सामने दिखी चीज उन्होंने नाम डाल दिया मेरा, सिंपल। तो कंपनीज यहाँ पे गलत नहीं है, जो मैं पहले समझ भी रहा था। पॉइंट इज आर्टिस्ट ही जो पोर्ट्रे कर रहा है उनको नहीं पता ना भाई, उन्होंने पैसा लगा दिया भाई आगे मूवी, ये ना ट्रैक छोटे नहीं थे जो लोगों को लगता है ना यूट्यूब पे डाल दिया, इनमें कंपनीज करोड़ों की कंपनीज थी ब्रो, धर्मा प्रोडक्शन, जी म्यूजिक कंपनी, ये सारी कंपनीज। तो ये ऐसे बच्चों वाले काम नहीं होते ब्रो, आपने एक चीज दी उसमें नाम आया मेरा, मैं ऐसे लड़ नहीं सकता इतनी बड़ी कंपनी से। तो बहुत फुद्दू वाला काम है भाई। उसे मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा हूँ कि पूरे सिनेरियो दे विच एक इंसान कह रहे हैं कि बादशाह की कंप्लेंट की सी इनिशियली कि मेरे क्रेडिट्स मारे गए, है ना, मेरा पैसा मारा गया, सेम चीज़ उन्होंने आपके साथ की। एग्जैक्ट। तो फिर वो जो तकड़ी है इंसाफ की वो कहाँ पे है, वही तो पूछो। एंड आप एक चीज़ दिल से बताना, मैंने सबको दिल से बोलूंगा, पता कहते ना कहीं जगह इंसानियत थोड़ी सी रह जाती है। आपने वो लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू देखना, ओके, उन्होंने ना एक माफ़ी मांगी है मेरे से, जो लड़का बहुत अच्छा था। इनदीप, अगर आपको लगता है मैंने आपको घोस्ट किया, आई एम रियली सॉरी। अगर आपके मन में कोई भी बात है, मैं आपको रीच आउट करूंगा और हम उसको सुलह कर सकते हैं। अगर मैंने सच में इतना सब कुछ चोरी चारी वो की होती ना भाई, वो अच्छा लड़का था, एंड आई एम सॉरी, ऐसे कभी जिंदगी में कोई। चलो भाई, मैं तो ये भी कहता सीगा, जो मैंने फोन आया सीगा वीडियो अपलोड करने तो बाद मैंने फोन किया, बड़े प्यार नाल गल की बंदे ने, तो मैं भी प्यार नाल रहा, मैं चलो ठीक है, मैं कहा भाजी तुम फोन किया, मैं हूँ मानता रखूंगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा, मैं आर्काइव कर देना वीडियो, मैं कह। लेकिन दूजी चीज वो सीगा पिछला पैसा, अगे किवें करना मैनू वो दसो। मैं फ्री का पैसा तो नहीं मांग रहा ऑब्वियसली, है ना। मैं कह घट्टो घट साल 40-50 शो करते होने लाइव, है ना, तुम मैनू एज एन एंकर साइन कर लो। True. बहुत औखा नहीं है, true. बहुत पैसे है मेरे पास, true. तो बहुत में से इतना तो निकाल सकते हैं मेहनत का। Obviously. मैं कौन सा कह रहा हूँ मैं साथ चलूंगा, काम नहीं करूंगा, पैसा दो मुझे। Obviously. उसके बाद भी कोई रिवॉर्ड नहीं, तो फिर इंसाफ और वो फिर ह्यूमैनिटी जो बात है वो कहाँ पे नहीं आने वाली। मैं देख चुका हूँ आप इस टाइम पे ना, पता क्या होता है आपका ना एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है जहाँ आप कई चीज़ों में बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, तो ना वो एक बहुत फुद्दू गुरूर होता है मन में, 2.5 लाख देने में दिक्कत नहीं होगी उसको, पता कहाँ दिक्कत होगी कि मैं झुकूँ ना मुझे जो दिखा है ना, तभी मैंने फुद्दू यार एक बंदे ने मेहनत की इतने शोज रोल्स रॉयस तो दो ना, खत्म खत्म करो ना, क्यों ये चीज ब्रो, खत्म ब्रो। यही चीज आप इधर देखोगे ना, बड़े अजीब अजीब से उनके बंदे कई बार ना होता गया मेरे को ना, ये चीजें आपने देखोगा, मैं कभी भी इनकी बीफ वाले सिस्टम में हूं। मेरी एक डिस्क की लाइन हुई बड़ी वायरल हुई, मुझे अगर फेम लेना होता मैंने वो डिस्क दिल से ऐसा बनाया हुआ है भाई कि वो फाड़ देगा सीन को, ओके, बट मैंने खुद ही उसको रखा हुआ कि मैं उस लेवल तक नहीं। बट ये लोग नई नई चीजें, आप एक बात हो, मैं
क्यों मैं एक बंदे का नाम ले रहा हूँ जिसके घर से चोरी करके चीज ला रहा हूँ, उसी को कह रहा हूँ भाई इसने ये किया था, उसने वो किया था, समथिंग ऐसा कुछ। ऑब्वियसली मैं खुद पागल हूँ ब्रो, कैसी बातें कर रहा है। बर्बरी चेक्स मैंने चोरी किया ये बोल दिया उन्होंने। कब बोला? 2024 में भी आके। वो जो गाने चुराने की बात है इन्हीं के लिए कह रहा था मैं, मेरे गाना था बर्बरी जो इन्होंने चुरा लिया, बर्बरी चेक्स। इतने साल हो गए आज तक काला चश्मा, अब काला चश्मा नाम आ गया तो नई चीज बर्बरी चेक्स हिंदी में चोरी किया, तो मैंने 2024 में उसका म्यूजिक यूज कर लिया जो बनाया था 17 में। अब कोई बात लॉजिक कहीं कुछ लगा, 2024 में मैंने गाना निकाला है शाहरुख खान का जिसमें म्यूजिक 2017 में इंदी बख्शी ने मेरा 2013 में चोरी किया था, ये स्टेटमेंट है। आप पहले इसको ना फिगर कर लो कि क्या है बात कैसा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि म्यूजिक, मैंने जब बोला मैं कहा भाई ये तब का म्यूजिक है जब सच मेरे पास आया था, ये फाइल्स मेरे पास बैड वाली फीलिंग ये सारी इकट्ठी थी, और उसके बाद 15 में मैंने फोन किया, वो अनूप पे साइन हो गया था, मैंने पूरी स्टोरी बताई है कि साइन हो गया था। उसने कहा भाजी मैं नहीं कर सकता, मैं मिक्स मास्टर सबके पैसे दे चुका था अरेंजिंग, मैं तब तक अरेंजिंग सीख चुका था, मैंने पूरा अरेंज करके गाना बना दिया। अच्छा, कहता डन भाजी मैं नहीं कर सकता वो। उसके बाद जब एक ऑडियो आती है कि जिसमें मैंने दिखाया कि लिखा विखा सब है, उसमें एक और क्लिप उन्होंने डाल दी, ये देखो जी 2012 में आवाज़ भी सुन लो, ये भी सुन लो, मतलब कोई सेंस बन रहा है। चलो वाली सारे सीन के बाद आए अल से कि सपोजिटली जिस इंसान ने इतनी अर्चना क्रिएट की थी है ना, इतना तंग किया या जो भी था डिलीबरेटली या नॉन डिलीबरेटली, कभी सामने आ जाए हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, द ओनली फ्यू वर्ड्स आपके मुंह से निकलेंगे वो क्या होंगे? क्यों? दैट्स इट। क्यों? रीजन बड़ा भाई माना, क्यों? 22 साल का लड़का जितने पैसे कमा रहा है दी जा रहा है, दी जा रहा है, दी जा रहा है। लोगों की बड़ी गलत फहमी है कि हमने घर से पैसे लाया, मेरे पापा ने दे दिए दो, नहीं ब्रो, अपने खुद पैसे जोड़ता कमाए, ये नहीं कि मेरी फैमिली कर नहीं सकती थी, बट ऑब्वियसली खुद के मैंने पैसे जोड़े ब्रो, एक एक चीज देता रहा, देता रहा। हाँ जी भाई, जैसा भाई बोले, क्योंकि सैटरडे मेरे माइंड में था जो मेरे यहाँ है ना लिखा हुआ, मैं कुछ भी करूँ वो इमेज बन के आ जाएगी, मुझे बाहर ट्रैवल करना है, चीज आई है। उस टाइम पे ना सिर्फ फेथ होता है ब्रो, और इस पूरे सिनेरियो में एक फोन नहीं आया ब्रो, कितने लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया किसी भाई? पता क्या होता है उस टाइम पे, क्या होता है अब वो ना बंदे यूं देखते हैं, ये दो बंदे कौन जा रहे हैं, कौन जा रहा है, यही सच है, वही चढ़ता सूरज वाली बात है ना। आप बिलीव करो, आई रियली अप्रिशिएट ऐसे चैनल्स, रियली थैंक यू आप लोगों को। 5 साल पहले मैं जाता था, फोन आते थे, पाजी ने मना किया, पाजी हम इंटरव्यू नहीं कर सकते, मैं बात कहाँ रखूँ, जो ढंग के जहाँ पे वो बोल के जा रहे हैं वहाँ पे मैं भी तो बोल सकता हूँ ना। बिल्कुल ठीक है, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन होता था, आज नाम आया कैसे आया, इसका ही आंसर दे दो, पहले क्यों नहीं था नाम काला चश्मा में, या ऊपर नाम, इसका आंसर दे दो, नहीं आप चीज ले आते हो, ध्यान लोगों का डाइवर्ट कर देते हो। भाई मैं क्वेश्चन पूछने, किसी ने एंटरटेन नहीं किया भाई। आई मेट प्रीत हुंदल 2018-19 में, तब भी बादशाह भाई का नाम का जिक्र आया था वहाँ पे, कि ये 3-4 लोगों ने मिलके ना एक माफिया बना रखी है इंडस्ट्री में, ये हर एक के गाने यूज़ करते हैं, क्रेडिट देते नहीं है। प्रीत हुंदल के अकॉर्डिंग जो गाना है मूव योर लक, वो बेसिकली प्रीत का म्यूजिक है। एक ही बंदे पे कितने बंदे एलिगेशन लगा लेंगे, वही क्यों? तो ऐसा है, माफिया बना हुआ है इंडस्ट्री में भाई। आप, मैं बताता हूँ, देखो मैंने अभी तक हमेशा, मैं तो रफ्तार को भी प्यार ही करता हूँ ब्रो। रफ्तार का फोन आएगा भाई? रफ्तार का फोन भी बता रहा हूँ ना, मैंने उसकी हर जगह हेल्प करी। अच्छा भाई की, जब उसने कहा मैं म्यूजिक करता हूँ, मैंने पूरा लाइक किया भाई, देख बादशाह तो गोस्ट कर गया, मेरे सर पे कंपनी, मेरे गाने निकल गए, 1 साल हो चुका है, कब करना है, क्या करना है, पैसे गए मेरी, ये तू तो नहीं बोली बोल के भेजी हुई हर जगह, कोई तो कर लो। दिल्ली के हर प्रोड्यूसर के पास गया, अब पता पटाखे क्या फटते थे। मैं इनफैक्ट जैसे यहाँ रफ्तार आया, उसी दौरान मैं चला गया कुंवर वीर, किसी ने बताया कि ये भी लड़का हिप हॉप करता है एंड अच्छा म्यूजिक करता है, तो उस टाइम उन्होंने अर्ज कि मेरे गानों को पूरा कर दे। मैं वहाँ पहुँचा, कह रहा है दीपा जी ताड़े तो म्यूजिक कर रहा सी मैं, कहा मेरा म्यूजिक कर रहा था, कह रहा भी बादशाह बाजी आए तो थे म्यूजिक कराने ये आपके गाने का, मैं कहा भाई तेरा तो दूर दूर तक नाम नहीं, कहता क्या, मैं कहा मेरे तो बताया नहीं, तो खुद करता है। उसने बताया था बस सचित ने सैटरडे भी उसने किया, मेरे पास आए हुए हैं कुबर वीर करके लड़का है, सिंगर है, वेरी नाइस आर्टिस्ट, असली मिले से इकट्ठे होते ही। हाँ, उन्होंने भी पूछ सकते हो तुसी यार। मैं कहा ये चल क्या रहा है, ये तो मैं प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ है, सौदे इधर के पकड़ उधर उधर के, मिलने नहीं देता। एंड अब क्या हुआ है, एक ऐसी इमेज आ गई है इतने आर्टिस्टों के साथ, उनको लगता है ये ना चांस देगा, ये भी चांस देगा, इसको गलत नहीं करना, नहीं तो बैंड बजा देगा। अभी क्या होता है कि जैसे रफ्तार की हुआ, मेरा वन ऑफ मेरे को जो पहले मैनेज करता था, उसने जनरली पूछा कि यार इंदी पाजी का ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तू बोलता रही तूने काम वाम, कहता नहीं यार मैं पंगड़ों में ना, मतलब बादशाह भाई पता है, कमाल होगी ब्रो। मैं कुछ एक ऐसे लेबल भी बोलना नहीं चाहते, ठीक कंपनी थी, सब हो गया मेरा, सब कुछ सब, कंपनी फ़ोन नहीं उठा रही, 6 महीने 7 महीने हो गए, मैंने सारे ट्रैक्स भेजे हुए हैं, ये था मेरे ख्याल से 15 का था,
15-16 ये तब की है जब ये बैड वाली फीलिंग बर्बरी चेक्स एग्जैक्ट बताता हूँ 17 के आसपास जब बर्बरी का हुआ था, सब कुछ हो रहा है कर रहा है कंपनी फोन नहीं। अब बीच के ना कई बंदों का ना दिल भी होता है जो टीम के नीचे के होते हैं, आया कह रहा पाजी कोई फ़ायदा नहीं है, क्या हुआ कह रहा पाजी का फोन आया वो कह रहे हैं गाना मेरे से ऐसे ही ले लेना, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। 17 तो सोनी था जो भी, मतलब नहीं करना ये नहीं करना वो नहीं करना, आप कुछ नहीं कर सकते ब्रो। आपको पता है मेरी क्यों फट रही है नाम लेते हुए भी कंपनियों का? मैं लेना नहीं चाहता भाई, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कुछ भी कर लेना, ऐसा किसी आर्टिस्ट साथ ना करना कि वो सुबह उठे भी तो उसकी गांड फटेगी, वो क्या करेगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना लीगल है ना, आप कुछ किसके पास जाऊँ मैं, किसको केस भाई, इतना वहाँ पे बैठा हुआ हूँ ना, मेरे घरवालों को समझ आई मैं बता नहीं सकता, शर्म आ रही है क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं चीज़ें, ना गाने निकाल सकते हो, जो आप ऑलरेडी पेमेंटें आ रही हैं, जो आप बात कर चुके वो लाइबिलिटी सर पे चढ़ी जा रही है। हाँ, और कंपनी मतलब होता है उनकी लीगल टीम इतनी बड़ी होती है कि आप वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते। वहां तक क्या वो रगड़ना चाहे तो कहां कहां तक रगड़ दे इंसान। तो बहुत थैंक्स कि मेरे को वहां से बाहर निकाला आप लोगों ने, मैं काम करने लायक आया हूं, बट एक रिक्वेस्ट है लाइफ में कभी भी कुछ भी हो ना, ये एक देख हिप हॉप कल्चर बहुत अच्छा है, हिप हॉप ने कभी ये नहीं कहा कि किसी की जिंदगी खत्म कर दो भाई, ये हिप हॉप कभी नहीं सिखाता मेरे भाई, मतलब वो एक डर है। आप अभी भी देखते हो मैं कभी भाई अभी मैं एक भी नई चीज़ नहीं बोलता, मैं सिर्फ वो बोलता हूँ तू एक चीज़ बोलता है मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका प्रूफ देता हूँ। ठीक है, आपने कुछ ऐसा नहीं वो किया कि भाई ये भी दिक्कत है इनके साथ ही, मैं बहुत यार मैंने आज तक हूज दैट गर्ल बेबी मैंने आज तक नहीं निकाला ना, मैं उंगली नहीं करना चाहता था, करनी होती तो इतना कुछ है मेरे पास मेरे भाई, इतना कुछ ना कि करियर यूँ से यूँ होगा, बट मुझे पता कि आज बड़ी शुक्र है कि बाबा जी ने एक सैटरडे में नाम जानते हैं लोग, काला चश्मा में जानते हैं, छत्तीस आएंगी मेरा ही है, चीज़ों में पता है मेरी एल्बम आ रही है, काम कर रहा हूँ, बर्बरी चेक्स आज सबको पता होगा, एक बंदा तू कहाँ बैठा है, कहाँ तू 10 साल पुराना म्यूजिक आज उठा रहा है, उसके बाद तू एलिगेशन लगा रहा है चोरी किया। बट डू यू फील बरी कि आर्टिस्ट बहुत इजीली बोल देते हैं कि मैंने बनाया, मैंने इसका करियर बनाया? सबसे पहली चीज़ आपको एक बात बताऊँ, रब है ना, रब क्रिएटर है, मेहनत हम सारे करते हैं, लिखारी इस दुनिया में बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे अच्छे, हर लिखारी वहाँ नहीं पहुँचता, तो नहीं रब है जो रब करता है, जिस दिन आपके मन में आ गए ना ये तो मेरा दिमाग चला है तो मुझे जानते ही नहीं, रब ऐसी मार देगा ना मेरे भाई, ऐसी जगह मार देगा, ये चीज़ मैंने खुद फील की है, देखी है मैंने लोगों के सामने भी। ओके तो क्रिएटर बोलना किसी को बहुत आसान है मेरे इस भाई। पूरे सिनेरियो में अभी क्योंकि मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से सारे आर्टिस्ट ही अब लाइमलाइट में आने शुरू हो गए हैं हनी सिंह बादशाह कॉन्ट्रोवर्सी के बाद से, बिकॉज बहुत सारी एलिगेशन थी, उस एलिगेशन में न्यूमरस पीपल इन्वॉल्व थे, है ना, पूरे सिनेरियो में पर पर्सनल चॉइस आपकी, इज इट हनी सिंह और इज इट बादशाह? आपको तो पहले मजा क्या आता था काम करने में, आप एक स्टूडियो में बैठे हो, तीन चार बंदे बैठे हैं, सेम फील की आप लिख रहे हो फाड़ रहे हो, आज इतना डर लगता है कि यार कुछ चीज़ निकल गई अच्छी, ये ना आगे जाके दूसरे स्टूडियो में कुछ हो जाए, आज ना यकीन करना ही, ये कहते ना भरोसा ही उठ गया है, डर लगता है बहुत ज्यादा, आप स्टूडियो में किसी भी रैंडम एक नए इंसान के साथ बैठ के काम नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अभी भी इस टाइम पे मैंने क्या किया है, मैंने कहा मैं लॉगिंग चालू करूँगा रोज, अभी भी एल्बम है और कैसे मैं म्यूज़िक बना रहा हूँ, कौन लड़का आके किसने लाइन लिखी, दो लाइन लिखी, उसका भी नाम आ रहा है, उसका क्या क्या था कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा क्या था, लोगों को भी सीखने को मिलेगा भाई काम कैसे करते हैं, कैसे होता है, मेरा कैसा तरीका है, मैं म्यूज़िक कैसे करता हूँ, कौन से प्लगइन यूज़ करता हूँ, मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करता हूँ, हर चीज़ दिखाने बोलूँगा, मैंने तरीके अलग कर दिया, लो बैक टू बैक गाने लो, कोई नया फीचरिंग लड़का आ रहा है अच्छी वाइब लगी आ जाए, जो मेरी वाइब से अलग है, आप मिक्सिंग करते हैं जैमिंग करते हैं गाना आउट, मिक्स मास्टरिंग मैं करूँगा, मेरे पैसे नहीं लगने, मिक्सिंग मैं करता हूँ, मास्टरिंग मैं करता हूँ, म्यूजिक मैं करता हूँ, 6 साल पकाया सिर्फ म्यूजिक की है, मुझे इस टाइम अपने लिखे से ज़्यादा म्यूजिक दिखाना लोगों को जो म्यूजिक सीखे हैं, तो ये बैक टू बैक ये काम करने वाला हूँ ब्रो, अभी तो इन्होंने इतना गंदे एक डर मचा दिया है, म्यूजिक नहीं है ये म्यूजिक नहीं, आज अभी भी मैं देखता हूँ अपने रोज एक नई चीज़ नई एक चीज़ अपने आप को प्रूव करने के लिए। सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, 2024 में 2017 का किसी एक आर्टिस्ट का जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा था आपकी क्लेश हो रखे हैं उनका म्यूजिक डालने की जरूरत थी, और 2024 के इंटरव्यू में आके उसको चोर बोलने की, वो भी एक रैंडम ट्रैक जो किसी ने नहीं सुना और आज तक आपने नहीं बोला ना मैंने बोला, डालने की जरूरत थी? ये शायद अगर मैं चीज़ करता ना 2024 में पोक करता कि मेरी एल्बम आने वाली है भाई आज इसको उंगली करता हूँ पुरानी बातों पर, तो लोग करते हैं कि यार अपनी एल्बम के लिए कर रहा होगा, ऑल ऑफ सडन इतना बड़ा कर दिया उस बर्बरी चेक्स को, सुबह से लेकर रात तक उसकी आप सफाई ही दी जा रहे हो, जरूरत भी नहीं है, मैं हंसी जा रहा हूँ भाई, लोग नीचे भी कमेंट, इससे अच्छा ये लग रहा है कि
जेंजीज और लोग इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं, वो खुद वीडियोस भेजी जा रहे हैं, पाजी देखो इसने यहाँ पे तो इसका नाम नहीं लिया, आज यहाँ पे नाम ले रहा है, आज देखो इसने डेट में डाला नहीं था, आज इसने डाल दिया है। हाँ। तो मुझे ना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही, बट बुरा लगता कई बार। तो आप समझे कि क्या सिनेरियो चल रहा है उस टॉप लेवल पे, आपस में आर्मीज क्लैश कर रही है, है ना? नहीं, आर्मीज नहीं कर रही, आर्मी कर रही है दूसरे की, आर्मीज ही नहीं, आर्मी है ही नहीं उसके, सिर्फ एक हनी पाजी की, हनी पाजी की तो कल्ट आर्मी है ब्रो, वही कह रहा हूं। तो दूसरा बंदा है ना, आपने आर्मी चेक करना चाहते हो ना, इनके आप फैन पेजेस खोलो, दे आर कल्ट फैन। नहीं, बट मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि इस पूरे सिनेरियो में कभी हनी पाजी का कॉल नहीं आया? मैं खड़ा कर, मैं आपको सच बात बताऊँ, हनी दी हनी सिंह है वो, और ना रीजन है। हाँ। देखो ये ना मैं 12 से बोलता आ रहा हूँ, 14 से भी, मेरा आज तक उन्होंने कोई शेयर भी नहीं किया होगा। हाँ। तब भी बोलता आ रहा हूँ। हाँ। कि हनी सिंह दी हनी सिंह है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट उनके साथ ही रहेगा। क्यों? हाँ। क्योंकि जितनी इन्होंने एलिगेशन लगाई वो मैं सारी जानता हूँ कि वो है ही नहीं, एंड ही डोंट गिव अ फक। इतनी उंगल कर दी उन्होंने, एक चीज बोल दी थी वो नैनो रोल से, जिसको उन्होंने उठा के एक आर्टिस्ट बना मारा है। सही बात है, उनकी एक से एक पुश हो गया। हाँ। तो जिस दिन वो पुश करने आए तो कहाँ ही जाएगा भाई, तो ही नोज हिज पावर एंड रियल आर्मी उनकी है ब्रो। हाँ। आज मैं अभी कमेंट्स पढ़ता हूँ ना। हाँ। जहाँ उनको जब मैंने हु इज दैट गलोला दिखाया। हाँ। एंड हनी पाजी को भी दिख रहा होगा कि यार ये एक नया आर्टिस्ट आ रहा था, उसने नहीं लिखा था रैप, बादशाह ने लिखा था, उनकी कॉन्ट्रोवर्सी होती, मेरा गाना तो हिट था। मैं तो डलवाता भाई, डालो लड़ो आपस में। उसी वक्त है वो मेल नहीं भाई, उसी वक्त मैंने बोला, मैं कहा पाजी ये जो गाना है ना, आप लोगों का कुछ भी होगा, मेरे गाने में ये नहीं आएगा। क्यों नहीं कि मैं लाइन यूज करूं भाई? मैं तो आज तक, मैं आज नहीं तो कल, मैं तो चाहते ही ना फीचर, तो मैं क्यों डालूंगा? आज डाला ना मैंने। तो ये सब स्टार्टिंग से ही इनकी एक प्लानिंग चल रही है कि एक बंदे को पोक करो, नाम ले तो हम उठे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हनी पाजी दी हनी सिंह है, वो एंड तक ही रहने वाले हैं। पतलो गाना आया मेरा, तभी चीज़ें भी नहीं हो रही थी। स्पेशली मुझे एक मैसेज आता है, प्रो अमेजिंग ट्रैक, और पतली वाली वोकल जड़ी है ना तेरी, उन्होंने थोड़ा अवॉइड कर, जड़ी लो साउंड है ना तेरी, बहुत इंटरनेशनल है। अच्छा, ट्राई टू यूज दैट एंड योर म्यूजिक इज अमेजिंग। हाँ, वो मेरे लिए ब्लेसिंग थी भाई। सही बात है भाई, मतलब उन्होंने क्या बात करी, देख रहे हो आप? काम की बात ही थी, कोई फालतू इधर उधर की बात नहीं। उसके बाद अभी रिसेंटली एक वायरल हुआ था, उन्होंने चीज शेयर करी थी, तकदीर लिखने वाले, तेरी तकदीर में दीप बख्शी, और आपको टैग किया था उसने। हाँ जी। आपको पता वो क्यों हुआ? क्योंकि जो ये सैटरडे सैटरडे गाना है, आज मैं इतने सालों से एक ही चीज बताता रहा हूँ, मैं वो हनी पाजी के पास लेके गया था सैटरडे सैटरडे, जब अनूप ने कहा था कि नहीं यार इसको नहीं करते, आई गिव यू अनदर ट्रैक जो पाजी का लिखा होगा, हम वो फोड़ेंगे। अच्छा। क्यों पैसे खराब कर रहा अपने? तो हनी पाजी को वो ऑडियो क्लिप पता है कि हाँ सैटरडे सैटरडे क्या सीन था। हाँ। और आज एक बंदा क्लेम कर रहा हो गाना ही मैंने बनाया। यार जब ये सीन हुआ, टैग किया होगा, जब नोटिफिकेशन आई होगी कि हनी सिंह टैग डी उन्हें स्टोरी, तो क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, कहाँ बैठे हुए थे उस टाइम? मैं उस टाइम मुंबई की मेरी फ्लाइट थी। अच्छा। मैं मुंबई जा रहा था। अच्छा। एंड मैं इंटरव्यू ही दे के आया था, मैं बहुत स्ट्रेस था इन चीज़ों को लेके, स्ट्रेस लेके मैं ना 22-23 में निकला हूँ ढंग से। मैंने जब लास्ट 22 मैसेज किया बादशाह को, उसके बाद बाबा जी ने मेयर करी, चीज़ें क्लियर हो गई, नाम नूम आए, मैं काम करने लायक था, मैंने शोज करे, नहीं तो पिछले पुराने गाने निकल रहे थे, मैं खुद प्रमोट भी नहीं करता, मेरा इंस्टाग्राम देखो ना, मैं खुद भी प्रमोट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब है ही नहीं ना, मुझे पता क्या है, जबरदस्ती क्या करना है, जबरदस्ती किस होते लोग डेस्परेट बोलने का, लोग कुछ और बोलेगा तो फायदा नहीं था। तो जब आया ना ब्रो, शायद मैंने ना फिर से सोचा कि इंदीप छोड़, निकल ही जाए, इस गंद से निकल जाए। मुझे ना गंद लगने लग गया था। सही बात है कि जब वो आया ना मैसेज, मैंने कहा इस इंसान का कुछ लेन देन नहीं है, ही जस्ट नोज कि ये चीज, हाँ ये चीज तो मेरे सामने है ना, ऐसे 50 लोगों ने बोला होगा, ये चीज तो है ना, उन्होंने इमीडिएट किया, ही इज दी हनी सिंह, ले साले ले, आई नो द रियलिटी, तू कैसे झूठ बोल रहा है ना, बरबरी चाहिए उनको घंटा लेन देनी मेरे भाई। हाँ, ठीक है। और मैंने आई स्वेयर आज तक हनी पाजी को ये मैसेज भी नहीं किया था, पाजी आपके लिरिक्स ये वाले देखो, ये देखो ब्राउन रंग देसी मेरे पास पड़ा है, जो ये क्लेम करते आते हैं ब्राउन रंग कैसा था, ब्राउन रंग बिल्कुल ऐसा नहीं था, मैंने आज तक नहीं बोला पाजी, पाजी आई हैव द ट्रैक, मेरे पास देसी वर्जन भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, छोड़ो, बट उस इंसान की वो चीज़ देखो, कहाँ पे वो बैठे थे, कहाँ पे एक मैसेज कहते ना, एक इंसान के मैसेज ने, शायद मैं दोबारा जोन में जाने वाला था जहाँ से निकला हूँ, दोबारा जाने लगा था, सारा यूं निकाला है मेरे को, मैं अकेला था, यूं बैठा हुआ फ्लाइट पे जा रहा हूँ, अभी रिसेंटली मुंबई घर लिया मैंने काम के लिए, नया शिफ्ट किया है कि वहाँ पे करूंगा, शूट करूंगा, टीम को बुलाऊंगा, मेरी टीम मेरे साथ रहेगी आज के बाद, हम लोग यहीं शूट करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, क्योंकि काम से ऊपर ना कुछ नहीं बोल सकता मैं, कुछ भी बोलूंगा एक चीज हो रही है वो बकवासबाजी चली जा रही है, जब तक करता रहेगा नाम मेरा आएगा, मेरा काम नहीं आएगा तो मैं डेड हूँ। ये मैं कॉन्ट्रोवर्सी के लिए तो आया नहीं, मैं अपना काम दिखाने आया हूँ, तो मुझे काम करना है,
तो इसलिए उस दिन मैं डाउन हो गया था। बट वो हनी बाजी ने, अगर मैं लाइफ में आज एक चीज बोलता हूँ, अगर दोबारा इस एल्बम में कुछ भी और आगे निकलता हूँ ना, तो वो एक टैग था जिसने दीप बख्शी को निकाला, नहीं तो मैं दोबारा खत्म था। मेरे को सिर्फ आसपास के लोग समझा रहे हैं ना तेरे साथ हैं, जिसके साथ होता है ना उसको लगता है सब मेरे अगेंस्ट है। मुझे लगा मेरे सब अगेंस्ट है। मुझे कहीं जाते हुए शर्म आ रही थी। मैं मुंबई में अपने जहाँ मैंने घर लिया, मैं कहा यार इसने चोर बोल दिया है, मैं अभी नई सोसाइटी में आया हूँ, मेरी कल सोसाइटी मीट हुई है, वो सब देख रहे हैं, क्या सोचेंगे, ये तो साला चोर है। आप बोल जाते हो इंटरनेशनल टेलीविजन पे आके, दूसरे बंदे की फटके हालात होते हैं ब्रो। मैं काम पर आता जाते जाते, एक बात तो रियलिटी है कि जिसके साथ हो रहा है ना उसी को पता है। मतलब वो जो इंटरव्यू आया ना, उसने सॉरी वॉरी तो बाद में गया, जो बोला पहली बात तो बर्बरी चिक्स, ऑल ऑफ अ सडन इतने सालों एक नया नाम बर्बरी चेक्स, क्योंकि काला चश्मा तो हो गया, नाम आ गया मेरा, सैटरडे तो हो गया, दिख गया लोगों, नाम नहीं डाला हुआ तूने, एक इंटरव्यू में बोल दिया वो तो मुझे जानते हैं, तो डलवा क्यों नहीं रहा। जब भी बर्बरी आया मैंने कहा भाई ये तो खत्म ही हो गया ना इंडस्ट्री, आप कुछ भी बोल दो आज, मैं पूरी एल्बम बोल दो कि मेरी है एंड उनके पास पावर है, लोग मानने लग जाएंगे। मतलब मेरे अंदर ये आ गया कि भाई वो केस भी डाल सकता है, वो अपने ग्रुप से करवा के कि मैंने बनाया, मैंने हम साथ बैठे थे, आज मैं अपने चार लोगों को बोलता तुम्हारे सामने बनाया था, वो हाँ बोलेंगे ना यार। अब मेरी दिक्कत है तुम्हारे चार वो आर्टिस्ट हैं, तो इसलिए ज्यादा सच्चाई लग रही है बातें। तुम्हारी मुझे तो फोन किसी घर के बंदे से करवाया था उन्होंने, यही होता है क्यों ये सारी चीजें कनेक्ट हैं, हर चीज सबके साथ सेम क्यों। मैं आज तो मिलूंगा आपसे, मेरे को ना पारी एक चीज आज तक समझ नहीं आई, एक साइड पे आप स्टेज पे खड़े हो कि इतने बड़े बन गए एक दिन कि यार बड़ा हो गया, ये बड़ी एलिगेशंस लगा दी, अब मैं नहीं करूंगा यार, अब मैं छोड़ रहा हूँ ये सब, खुश रहे वो खुश रहे। अगर इतने बड़े बन ही गए थे तो फिर सफाई देने सामने क्यों आए, मेरा सिर्फ पॉइंट ये एग्जैक्ट। आप बड़े बने थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत बड़े बन गए। मैं तो ये देख के रानू, आप हनी पाजी के साथ कर रहे हो ठीक है, 24 में आगे मुझे क्यों चोर बोल गए, वो भी मेरे 17 के गाने के, तो 12 की बात भी करता मैं समझता था, मैं कहाँ से आ गया, वाई यू मतलब ड्रैगिंग मी मेरे भाई, जीन दे। इससे पहले कि आप आते वो आके वो था ना वो बेनिफिट ऑफ डाउट, मैंने ये चीज बोलने वाला था, मैं ये इन्होंने ना बहुत सही चीज बोली। होता क्या है, जैसी आप कोई चीज रखने वाले हो, मुझे नहीं पता उनको कहां से पता लग जाती है, वो चीज का रिएक्शन पहले आ चुका होता है, सारी बातें आ गई होती है, जो लेन देन भी नहीं होगा। अबे ये क्या बेटा, आपको पता मेरा एक गाना था जिसकी मैं बात करता, डोंट लुक एट मी, यूट्यूब से भी हटा बड़ा है, यूट्यूब में भी नहीं है गाना, तो ये तो करियर ही खत्म कर सकते हैं किसी का, चीजें भी डिलीट हो जाती हैं। आज एक था राजा, उनके खुद के चैनल से आया, जो मर्जी क्रेडिट डाल दे, आज सिंपल देखो मेरे यूट्यूब से गाना निकला, मैंने किसी आपका चोरी किया डाला, इसका नाम दे दिया म्यूजिक, ये कह रहा हाँ जी मैंने बनाया म्यूजिक, वो चोर है। बंदे के हाँ म्यूजिक वाले पता गया, ये तो सच है। अरे ये कौन सी बात चल रही है, घर के अंदर ही सास बहू खेली जा रहे हैं भाई, वो दूसरा इंसान तेरी सास बहू को बता रहा है, वो तेरे बंदे को कि भाई इसने काम दिया उसको क्रेडिट दे दे, आज तो को क्रेडिट मिल गया। कह रहे हैं मैं बाथरूम करने जाऊंगा, पीछे से फाइल ले ली भाई, मेरे स्टूडियो में ही तू आ रहा है, क्या बोली जा रहा है भाई। एंड दैट टू, अब तेरे को याद आया वो तेरे सुसु वाली चीज जो भी इसमें, कि मैं इसको एस आर के जी में यूज कर लूँ। यार कमाल है ब्रो, इतनी स्टेटमेंट इतनी अलग अलग है ना, इतनी अलग अलग है कि कोई अत हिसाब नहीं है ब्रो। बट ये आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये ना गलत मैसेज है। एंड कहते हैं ना सोच, एक बड़ी उन्होंने आराम से सोच बता दी, देखो जी आपको सक्सेस का एक रीज़न तरीका बताता हूँ सक्सेसफुल होने का, मतलबी बन जाओ सक्सेसफुल का, खुश रखो अपने आप को, मतलबी बन जाओ, पहले अपने बारे में सोचो, लाइफ में कभी मतलबी में बनना, जो चीज़ चाहिए ले लो, जो तुम्हें खुशी देती है मतलबी बनो। आज आपकी ये चीज अच्छी है, मैं ले लूँ, मैं खुश हूँ, मैं सक्सेसफुल, तू जाए भाड़ में भाई, कभी नहीं ब्रो। अरे मैंने कल परसों का एक वीडियो देखा, He's been telling कि यार वो कौन सा राइटर है वखरा स्वैग का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, और उस लिरिक्स से उसने नीचे डाला हुआ है ओ मैं यार। आपके उन्होंने सामने क्वेश्चन किया, ये चार गाने जिसमें वखरा स्वैग भी है, कहते हैं वो गाने इतना पहुंच गया, पता नहीं यार भाई क्यों किसी और की, आज तेरा नाम नहीं है इसलिए आज वो हैं, ऐसे किया रिएक्शन, जिसने लिखा होगा तो कह रहा हूँ फिर वाले तेरी हरते ही सोना, आज तूने नाम दे दिया छोटा सा, साथ में गाने को भी ऐसे बोल दिया, अच्छे इतने हो गए, पता नहीं यार। बट भाई चलो खैर ये तो हुई पुरानी बातें, हम लोग आई फील के इन चीज़ों से बहुत ऊपर हैं ना, एटलीस्ट इस लेवल की पॉलिटिक्स में घुसना चाहते नहीं है, इस लेवल की नेगेटिविटी का पार्ट नहीं होना चाहते, इस लेवल की क्रिएटिविटी से हम लोग ऊपर जाना चाहते हैं, बिकॉज हमने हमें काम पे फोकस करना है ना। नहीं पता ये लोग एक दिक्कत करते हैं, मैं अभी ना बड़े अच्छे से, जैसे मैंने बताया आपने पूछा ना गाने 6 थे 7 हो गए 8 हो गए, हाँ जिस दिन से क्लेश हुआ है वो 8 के 9 नहीं हो पा रहे 10 नहीं हो पा रहे, मैं बैठा यहाँ हूँ दिमाग में ही चल रहा है, हर 2 मिनट पता क्या निकलता है, इन दीप बख्शी न्यूज़ भाई, इसने अब क्या डलवा दिया, अब क्या करवा दिया,
कुछ ऐसी चीज ना कुछ बोल दे कि मैं बाहर सड़क पे जाऊँ, लोग फिर मेरे पे हंस रहे हूँ। मतलब एक वो दोबारा से चीज ले आया, मैं बड़ी मुश्किल से वहां से निकला हूँ मेरे भाई, मैं दोबारा वहां डाल दिए इतने देर से। मैं तभी कल नीम करोली मंदिर बाबा से दर्शन करने गया, मैं कल वहीं से आया हूँ। मैं कहा आपने सब दिए पॉइंट, मैं ये किसी पर्टिकुलर मंदिर को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं धर्म स्थान कोई भी हो सकता है जहाँ आपको अच्छा लगता है, गुरुद्वारे का हर जगह जाता हूँ। मैं वहाँ के मैंने कहा प्लीज बहुत कुछ दिया ना आपने मुझे, एक चीज मांग रहा हूँ, मुझे टेंशन दोबारा मत देना। वो बड़ी अच्छी पहला नवरात्र है, पहला नवरात्र मत्था टेक के आया कि बाबा जी बस इस चीज से हटा, म्यूजिक करने आया, मेरी एल्बम आ रही है, मुझे कोई बात नहीं करनी, कोई नहीं करनी, तुम टॉपिक ला रहे हो बर्बरी चैतन्य साहब दूर रहो अपना देखो। बाकी सच यही है कि अपना ब्राउन रंग भी हनी बाजी गई है, ठीक है, जितने गाने जितने एलिगेशन उन्होंने बताया सब गलत है, कोई दूर दूर तक उसके बाद लेन देन भी नहीं था हनी सिंह का इनके साथ, इन चीज़ों के साथ वो अपना काम कर रहे थे। और आई रियली सल्यूट दैट गाय हनी सिंह कि उन्होंने इतनी ओपनली आके नेशनल टेलीविजन में एक चीज़ बताई कि मैं क्यों इस लाइन से डिप्रेशनों में गया, क्योंकि मैं गलत चीज़ों में पड़ गया था। उस लेवल का आर्टिस्ट ना ऐसी चीज़ बताते हो 10 बार ही सोचेगा। एंड उन्होंने मैसेज कितने लोगों को दिया, क्योंकि मैं भी देख चुका हूँ 90% चीज़ें हैं ऐसी, तो उन लोगों को दिखा होगा नहीं यार ये एक डार्क फेस भी है। पर सक्सेस का सीक्रेट तो खैर मैं ये मानता हूँ कि मेहनत तो है ही है अनडाउटेडली, लेकिन जब आप अपनी डार्कनेस को ओन करना शुरू कर देते हैं उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं, तो बड़ी चीज़ नहीं। एक बात बताओ, दी हनी सिंह आज कह रहा है यार मैं इतने इतने जॉइंट फूक जाता था, ये शराब पी लेता था, तो उसने मुझे एक ऐसे जोन में डाल दिया। ये मैसेज है, आज जो बच्चे कर भी रहे होंगे ना उनको पता है भाई इफ द हनी सिंह कैन ब्रेक डाउन यार इसको छोड़ दे यार, ये ना करियर ही जीरो हो जाए। मैंने अभी रिसेंटली कई मुंबई में बता रहा हूँ नए लड़के देखे ना, तो इम्पैक्ट दिखा हनी सिंह का ये लिए वाला, तो मतलब ये आप भी अभी कहते हैं ना हम आर्टिस्ट ब्लेस्ड हो जाते हैं टाइम पे जब आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बीच में आए ना गाने आए थे, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया जैसे बैड वाली फीलिंग में मैंने वर्ड्स वगैरह यूज करे हैं, मजा आएगा सोने में, चल तू साथ कोने में, तो उस टाइम ना जोन होता था क्योंकि उस टाइम पे गाने ऐसे हो रहे थे सारी और हमें तो रैप की ट्रेनिंग ही ये देगी थी, मैं रैप लिखता नहीं था, पाजी छेड़ ऐसी करनी है जिससे लोग उठाए तेरी ले लवा फोटो सक 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 बेबी व्हाट द फक। मतलब वो जब चीज ऑलरेडी वो तुमने इतनी उठा दी तो दूसरा जो रैप लिखने वाला वो तो करेगा ना। बट मैंने उससे पता एक चीज क्या सीखी, मैं एक शो कर रहा था वहां पे ना छोटा बच्चा था वो रैप गाए वाला, अच्छा मजा आएगा कोने में, मैं कहा मैंने मुंह फेर लिया। फिर मुझे ना उस दिन लगा मैं कहा यार ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना भाई, ऐसा तो नहीं करना। टाइम के साथ मैच्योरिटी आती है भाई, आती है ना, रिस्पांसिबिलिटी लगती है बहुत। अभी अब कुछ भी लिखता हूँ ना 10 चीजें कई बार मन करता है ये राइम भी कर रहा है, मैं आपको बता डिस ना निकालने का मेजर रीजन ये था मेरा, क्योंकि ना जब मैं शनाज वाले शो से बाहर आया बिग बॉस वाले ना बड़े छोटे छोटे फैंस बड़े एज के फैंस तो ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिखी। उससे पहले तो हम छिछोरे आपस में 23-24 साल के लोंडे यहाँ पकड़ लिया होता है, जब चीज देखी ना आर्टिस्टली फील पता लगी वो इतना सा लड़का है यू उसको मतलब नहीं पता बट वो इम्पैक्ट गलत दे रहा था। मैं कहा नहीं यार ये चीज तो नहीं करनी, ये गलत चीज सीख रहे हैं दीप, तू हटा इसको, बढ़िया रैप करेंगे बढ़िया चीजें करेंगे, बट उसे मौका ही नहीं दिया भाई ने केस पे केस केस। तो यही है कि ये हनी सिंह से मैंने सीखा, जाए ना बादशाह ने बोल दिया मैं मैसेज देता हूँ बन जाओ ऐसा करो अपनी खुशी ऊपर कुछ नहीं देखी जाएगी बाढ़ में जाए सारे, नहीं ब्रो मैसेज दो आपके एक शब्द से बहुत कुछ हो सकता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है। मैंने कहा ना एक टैग से मेरी जिंदगी पलट गई, आज वो उन्होंने बात बोली जो भी कुछ कर रहा होगा उसको एक टाइम पे तो आएगा यार हनी वहां तक पहुंचा था, अगर वो 3 करता था 2 तो मैं भी कर रहा हूँ रोज के। मतलब समझो कैलकुलेशन है, वो इतने पूरी बोतल पीता था आधी तो मैं भी पी रहा हूँ, कंपैरिजन है अनवांटेड कंपैरिजन है भाई। तो बंदे के कहीं तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट दिया ना कि इस चीज से मेरा गलत हुआ है भाई, करना है मजे लो जिंदगी के, ऐश करो, मैं भी अभी भी बीयर वीर पी रहा हूँ शराब पी रहा हूँ मजे के लिए पी रहा हूँ तो ऐश करो। तो वो एक ना बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज था, तो आई थिंक हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है उसको तरीके से करें। भाई अभी कितने ट्रैक्स की तैयारी चल रही है यार, अभी ना हो सकता है ये अक्टूबर एंड में निकाल दूंगा मैं। 8 गाने नोवा गाना मैं लिख रहा हूँ, वो क्योंकि मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो टॉपिक मेरा नहीं है, सोच मेरी नहीं है, वो मिल्क नाम है उसका, मैं मिल्क पे गाना लिख रहा हूँ, ध्यान में पता नहीं क्या क्या चीज़ें आती है, मैं उसको सोवर मिल्क कैसे बनाना है समझ रहे हो, जैसे मैंने अभी बात बोली ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो मैं नहीं लिखूंगा वो गाना क्योंकि जो एल्बम जिस कंपनी के साथ आ रहा है तो वो भी ना GC है, गौरव चांदना जो सीरियल में भी आए थे बहुत फेमस हुए थे, अगर आप देखोगे सर्च करोगे तो इस वैसे दिल्ली का फन लविंग गाय है। मैं कहा देखो आपको मजा आ रहा है ना आप लिख लो, तुम लिखते भी हो ना, मैं गा दूंगा, मैं म्यूजिक कर दूंगा, गाओगे भी तुम तो आजकल वो फाइट चल रही है। बाकी 9 गाने हैं, बहुत
पूरी हिप हॉप एल्बम है भाई. ओके. एंड लिखाई से ज्यादा इस बार मैं अपना म्यूजिक दिखाने लगा हूँ. अच्छा, क्या? तो मैंने 6 साल सिर्फ म्यूजिक ही किया, क्योंकि लिखा तो मेरे पास बहुत पड़ा था. वो सिर्फ चीजें क्या हो रही थी, भेजना पड़ता था किसी को, फिर पता नहीं कितने कानों पे जा रहा है. फिर वही सेम चीजें. हाँ, वो करनी नहीं, म्यूजिक ही खुद मैंने की है. तो म्यूजिक सुन के बहुत मजा आएगा. उसमें फ्लेवर डालें, जैसे मुझे सबसे पहले देसी करना था. तो मैं पंजाबी ठेठ नहीं लिखता. तो किरत ने लिखा है, उसमें मैंने अपना रैप दिया है, खुद लिखा मैंने रैप, म्यूजिक किया, कंपोज किया, पूरा गाना तैयार है. जट्टा वेल लिया, आपको सुन के बहुत मजा आएगा. क्या बात है. फिर उसके बाद एक है गाना चोरी चोरी, काली लैम्बो. तो वो जब मैंने सैटरडे बनाया था ना, जिस जोन में, वो सेम जोन में था. नाम भी मतलब. हाँ, ये आपने बहुत सही चीज बोली. नाम भी मतलब, क्योंकि यहाँ क्या होता है, उससे पहले ही वो ट्रैक रजिस्टर हो जाएगा. जिस दिन मैं निकालूंगा हैप्पी बर्थडे, दो मिनट पहले टाइटल सेम आ गया. ये हुआ है भाई, ये भी हुआ. भाई ये ना मत करो भाई. तो इसलिए नहीं कर रहा यार. 9 गाने हैं, सारे हिप हॉप हैं भाई. और उसमें कुछ नए आर्टिस्ट भी मैं लॉन्च कर रहा हूँ. लॉन्च क्या कर रहा हूँ, मतलब भाई हैं. Okay. कुछ अच्छा उन्होंने लिखा, साथ वाइब कर रहे थे. आपने एक लाइन लिखी, मैंने लिखी, आपने दो लिखी, दो मैंने लिख दी. डालूंगा मैं, मुझे अच्छी लग रही है. क्योंकि मेरी जो आज की जेंजी की कई कई सोच हैं, कई नए वर्ड्स हैं, मुझे लेने हैं. सही बात है, ठीक है. तो मुझे जेंजी का ही लड़का मैंने अपने साथ रखा, उसको वाइब करता हूँ मैं. जो उससे वर्ड लेता हूँ तो मैं नाम भी डाल रहा हूँ. अब ठेठ था, अभी एक हमारे नए डॉक्टर साहब आए हैं, वो हार्ट सर्जन है. क्या वो मेरे को, उन्होंने एक किताब देखी, उसे उनको ना उस क्लिक मीटर पे गाना, स्केल पे गाना नहीं आता, बट ही कैन राइट. अच्छा, कलम लिखते पंजाबी. अच्छा, तो ऐसे ही उन्होंने एक गाना लिखा, उसको मैंने पूरे ही कंपोज करके, म्यूजिक करके एक सेट कर दिया. तो ऐसे फ्लेवर है गाने में, आपको सुनने का. मेजरली जो लोगों लगता था सैटरडे इन दीप का नहीं है, या बर्बरी चेक्स नहीं है, जो भी नहीं है, आपको यहाँ से सब दिख जाएगा. एल्बम एंड दैट टू एल्बम के बाद आपके बैक टू बैक गाने देखेंगे भाई. सिर्फ काम ही करना है. एक कोई गाना अपनी मर्जी का जो आपको लगता है गाए मजा आए, बताओ, वाइब करते भी. आई स्वेयर बेबी छोड़ी ना कसर कोई, जैसे फैशन मैगजीन का कवर कोई, बेबी ध्यान से प्लीज जाए ना मर कोई, झेल पाऊं नुकसान ऐसा कर कोई, तेरी हर एक अदा जैसे एक पोज, जरा कैमरे की फ्लैश करो ऑन कोई, मुझे लगता है आग लगाएंगी आज आप, 101 पे जल्दी करो कॉल कोई. क्या बात है, क्या बात है भाई. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो. मोस्ट वेलकम. मुलाकात होगी. एंड एक कहते हैं ना, एक अलग का कनेक्शन फील हुआ है. आई स्वेयर ऑन यू ब्रो, एक अलग कनेक्शन फील हुआ है कि थैंक यू बड़ी. हाँ, हट भी थी. थैंक यू बड़ी, थैंक यू. 107.2